नमस्कार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, उनकी एक और वीडियो हमारे सामने आई है। ग्वालियर के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं सफाई को लेके। सफाई को हम देखते रहते हैं कि वह सफाई को लेके सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी वह कर्मचारियों को डांटते हुए नज़र आते हैं, या वह कभी वह खुद ही सफाई करते हुए नज़र आते हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर को हमने कई बार नालियां साफ करते हुए देखा है, लेकिन आज की एक ऐसी वीडियो हमारे सामने आई है मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी की, जो हमको हमारे लिए एक समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। प्रद्युमन सिंह तोमर एक ऐसे नाले में कूद गए जिसके आस पास से भी लोग गुजरना शायद ही संभव समझेंगे, उसके पास से भी कोई गुजरना ना चाहेगा। लेकिन प्रद्युमन सिंह तोमर ने जब देखा कि नगर पालिका का या कोई भी सफाई कर्मचारी उसको सफाई नहीं कर रहा है, तो वो फावड़ा लेके खुद ही नाले में कूद गए और वहाँ की कीचड़ को उन्होंने खुद ही फावड़े से साफ की। अब हम आगे की वीडियो में देखते हैं कि प्रद्युमन सिंह तोमर ने किस तरह से सफाई की और उनका साथ किसने दिया और अधिकारियों का क्या कहना है। धन्यवाद। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर न्यू कॉलोनी नंबर 1 और 2 पर सफाई अभियान के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने देखा कि इलाके का एक नाला चौक है। नाला चौक देखकर मंत्री जी बिना किसी हिचकिचाहट के करीब 8 फीट गहरे नाले में उतर गए और मुंह पर मास्क लगाकर प्रद्युमन सिंह जी ने नाले की सफाई की। हालांकि नगरीय विकास मंत्री ने एक दिन पहले ही अधिकारियों को सफाई को लेकर फटकार लगाई थी और साफ सफाई के निर्देश जारी किए थे, लेकिन आज फिर मंत्री जी की इन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि निगम अधिकारियों पर विभागीय मंत्री की फटकार का कोई असर नहीं हुआ है। धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री को इस तरीके से नाले में उतरकर सफाई करते हुए नहीं देखा, ये आलम इसलिए है कि ग्वालियर में 50 सालों से नगर निगम में भाजपा समर्थित सरकार है, जो इन 50 सालों में ग्वालियर को स्वच्छ नहीं बना पाए। तब बेड़ा उठाया मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी ने। अब ये आप देख रहे हैं कि ये सफाई अभियान ना होकर वास्तविक सफाई अभियान है, ये फोटो खिंचाऊ अभियान नहीं, वास्तविक सफाई अभियान है। इस समय आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी को, जो 4 फुट पानी के अंदर नाले में उतर कर उस नाले की सफाई करते हुए, नाला काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, काफ़ी दिनों से नाला भरा हुआ है, यहाँ के लोग बीमारियों से परेशान हैं। आज उस परेशानी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी नाले में उतरकर, आप देख रहे हैं पहली बार इतिहास में कोई कैबिनेट मंत्री इस तरीके से सफाई अभियान में उतरा है। इस समय देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी को। मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक मैंने भी कई सफाई अभियान देखे, पर जिस तरीके से माननीय जी ने ये सफाई अभियान को वास्तविक सफाई अभियान में बदला है, ये देखने लायक है और एक सोचने का विषय है कि ये वास्तविक सफाई अभियान है। इसमें वो अपनी इस कीचड़ में, इस दलदल में उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है।